प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। राजस्थान को चार मुख्य भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला पश्चिमी रेतीला मैदान, जिसके उपविभाग हैं रेतीला मैदान। रेतीला मैदान को भी दो भागों में बांटा गया है, मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। दूसरा भाग है राजस्थान बांगड़ प्रदेश। राजस्थान बांगड़ प्रदेशों को भी चार उपविभागों में बांटा गया है, लूनी बेसिन अथवा गोडवार प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश, चौथा घग्गर का मैदान। दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली श्रेणियाँ। अरावली पर्वत श्रेणियों को भी चार उपविभागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश अथवा अलवर की पहाड़ियाँ, दूसरा मध्य अरावली श्रेणी, तीसरा मेवाड़ पहाड़ियाँ या भोराट प्रदेश, चौथा आबूखंड। तीसरा राजस्थान का भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी तीन उपविभागों में बांटा गया है, पहला चंबल बेसिन, दूसरा बनास बेसिन, तीसरा माही बेसिन। चतुर्थ भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला विंध्यन कगार, दूसरा दक्कन लावा पठार या हाड़ोती का पठार। अब हम पहला भौतिक प्रदेश जो राजस्थान का है पश्चिमी रेतीला मैदान, इसके बारे में आज विस्तृत से चर्चा करेंगे। पश्चिमी रेतीला मैदान राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। इसका विस्तार राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह रेतीला मैदान अरावली पर्वतीय श्रेणी के उत्तर पश्चिम में विस्तृत है। इसकी पूर्वी सीमा अरावली पर्वतीय प्रदेश, पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। इसके दक्षिण में गुजरात राज्य व उत्तर में पंजाब राज्य स्थित है। यह पश्चिमी रेतीला मैदान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 640 किलोमीटर लंबाई में व पश्चिम से पूर्व 300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 175,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी पूर्वी सीमा उदयपुर ज़िले के उत्तर सिरे से अरावली श्रेणी के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा तथा महान भारतीय जल विभाजक रेखा द्वारा भी अंकित है। पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजनीतिक दृष्टि से इसमें राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर, सीकर व झुंझुनू जिले सम्मिलित हैं। पश्चिमी रेतीले मैदान को दो भागों में बांटा गया है, पहला महान मरुभूमि प्रदेश। महान मरुभूमि को भी दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मरुस्थलीय जो प्रदेश है यह बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर के कुछ भागों में और बाड़मेर का दो तिहाई भाग पर विस्तृत है। इसे थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें
बालू का स्तूप पाए जाते हैं जिनका आकार पवनानुवर्ती, अर्धचंद्राकार या बरखान, और तीसरा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। दूसरा इसका उपभाग है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यह मरुस्थली प्रदेश से लगा हुआ प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर के क्षेत्रफल पर पोकरण तहसील के आधे भाग, फलोदी तहसील के पश्चिमी और दक्षिण में फैला हुआ है। इसमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश का उपविभाग है राजस्थान बांगर अथवा अर्ध शुष्क मैदान। राजस्थान बांगर प्रदेश है, ये अरावली के पश्चिमी किनारे से रेतीला शुष्क मैदान तक विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसके उत्तरी पूर्व में शेखावटी क्षेत्र तथा दक्षिणी पूर्व में लूनी नदी अथवा उसकी सहायक नदियां फैली हुई हैं। राजस्थान बांगड़ प्रदेश को चार उपविभागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है लूनी बेसिन अथवा गोडवार प्रदेश। लूनी बेसिन का विस्तार अजमेर के दक्षिण पश्चिम से अरावली श्रेणी से लूनी नदी निकलकर यहाँ से यह दक्षिण पूर्व में पाली, जालौर, सिरोही जिलों में बहती है। लूनी का अपोहा क्षेत्र 34,886.4 वर्ग किलोमीटर है। लूनी की सहायक नदियाँ खारी, जवाई हैं। यह प्रदेश अरावली श्रृंखला के पर्वत प्रदेश में फैला हुआ है और इस प्रदेश की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। दूसरा उपविभाग है नागौरी उच्च भूमि। यह प्रदेश दक्षिण पूर्व में लूनी बेसिन तथा उत्तर पूर्व में शेखावटी के बीच वाला प्रदेश है। तीसरा प्रदेश है शेखावटी भूभाग। ये राजस्थान बांगड़ के उत्तरी पूर्वी सीमा तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा निर्धारित करती है। इस प्रदेश में ऊबड़ खाबड़ बालू के टीले परिलक्षित होते हैं। यहाँ पवनानुवर्ती बालू का स्तूप अधिक दिखाई देते हैं। यहाँ की एक मौसमी नदी है कांतली। चौथा जो उपविभाग है वो घग्गर का मैदान है। यह प्रदेश गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में इसका विस्तार है। घग्गर, सरस्वती, सतलज आदि नदियाँ इस प्रदेश में अपने साथ शिवालिक की पहाड़ियों से लाया हुआ जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप करती हैं। ये नदियाँ अंतः प्रवाही नदियाँ हैं जो आकर के यहीं विलुप्त हो जाती हैं। इस प्रदेश में घग्गर नदी के अलावा और कोई नदी नहीं पाई जाती। इस नदी को पाट को राजस्थान में नाली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ चिकनी, काली व सख्त मिट्टी पाई जाती है। आज की जो घग्गर नदी है वैदिक साहित्य में इसे सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। देख रहे क्या कर तुमने, फिर क्या एडिट कर, तुमने कुछ किया है गड़बड़ी इसमें? नहीं हुआ।